मैं यहां कोई भाषणबाजी करने नहीं आया हूं, आप लोगों को एहसास कराने आया हूं कि गगन यादव की जब भी आपको जरूरत पड़े, अभी इन्होंने 15 दिन का समय दिया था, 15 का एक महीना हो गया, मैं आप लोगों को भरोसा दिला के जाता हूं, आप एक महीने बाद इस गगन यादव को याद करना, ये देश के जिस भी कोने में होगा ये समय निकालकर आपकी इस लड़ाई में आपको खड़ा मिलेगा। बस आप पीछे मत हटना, मैं वादा करके जाता हूं, जहां जहां मेरे किसान भाइयों का, जहां जहां मेरी माताओं का, इस शेर को जलने वाले मेरी माताओं का जहां जहां पसीना गिरेगा, ये उनका लाल वहां पर खून बहाकर दिखाएगा। बस आप पीछे मत हटना, बहुत बड़ी लड़ाई है और हम सबको मिलकर लड़नी है। आप किसानों की आवाज उठा रहे हैं और हम आज की तारीख में उन सरकारों से लड़ रहे हैं, उन सरकारों के सामने लोहा ले रहे हैं जिनके सामने कोई बोलने तक का दम नहीं रखता है। तो बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई में हम सबको मिलकर चलना होगा। एक कविता थी, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। और आज हमारी भी हड्डियों में जान है, आज हमारी भी दाढ़ी के बाल काले हैं, तो जितना भी फायदा ये जवान, ये किसान, ये समाज हमारा उठाना चाहता है आप उठा सकते हैं, क्योंकि कल को अगर हमारी कमर मुड़ जाएगी तो हमारी हड्डियों में ताकत नहीं रहेगी, फिर शायद हम भाषण तो अच्छे दे सकते हैं लेकिन लाठी नहीं खा सकते। और हम अगर इतना बोलने का दम रखते हैं तो हम लाठियों से डरते नहीं हैं, ये आप लोगों को बता देना चाहते हैं। तो बस आप संकल्पित होकर इन लड़ाइयों को लड़ें, क्योंकि लड़ाइयां सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, इस देश में बहुत मुद्दे हैं और आप लोगों को अपनी इसी संख्या बल के आधार पर आगे भविष्य में तमाम लड़ाइयां लड़नी है। तो मैं जाते जाते आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, आखिरी बात, जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, जिंदगी रही तो समंदर लौटाएंगे। जय हिंद, जय भारत।